तो बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, कार्रवाई ना होने पर महिला ने की आत्महत्या। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महिला ने कराया था छेड़छाड़ का केस दर्ज, गांव के युवक पर लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा, डीसीपी ने ग्रामीणों को समझाने का किया प्रयास, कार्रवाई ना करने पर सब इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। इसके साथ ही डीसीपी ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है थाना खंडौली क्षेत्र के नकला मटकी का। ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, तो आपको बता दें कार्रवाई ना होने पर आत्महत्या। ये बड़ी जानकारी, कार्रवाई ना करने पर सब इंस्पेक्टर लाइन हाजिर भी हो गया है, ये बड़ी कार्रवाई भी की गई है। डीसीपी ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। हालांकि महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। दरअसल आपको बता दें कि महिला ने कराया था छेड़छाड़ का केस दर्ज, लेकिन गांव के युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने भी हंगामा किया है, बड़ी जानकारी मिल रही है। तो कार्रवाई ना होने पर आत्महत्या की है। तो पूरा मामला आगरा का, जहां पर छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने अगर कार्रवाई नहीं की और उसके बाद महिला ने आत्महत्या कर ली है। महिला ने कराया था छेड़छाड़ का केस दर्ज, गांव के युवक पर लगाया था आरोप, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उसके बाद महिला ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने भी हंगामा किया है। डीसीपी ने ग्रामीणों को समझाने का भी प्रयास किया, कार्रवाई न करने पर सब इंस्पेक्टर लाइन हाजिर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डीसीपी ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। जो पूरा मामला है वो थाना खंडौली क्षेत्र के नगला मटकी का है। आज दिनांक 23/12/2022 को थाना खंडौली पे सूचना मिली है, नगला मट्टू जो गांव है, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, इसने आत्महत्या कर ली है। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची है, परिजनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो बॉडी है इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। जो इसमें आरोप लगाए गए हैं कि इसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई नहीं की गई है, इसके संबंध में प्रारंभिक जांच कराई जा रही है। साथ के साथ निष्पक्ष जांच हेतु संबंधित जो एसआई हैं उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो नरेश ढाकरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। नरेश, ये बड़ी लापरवाही है जिसके चलते महिला ने आत्महत्या की, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई भी की गई है, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बताते चले कि आगरा के थाना खंडौली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां महिला ने पुलिस पर लापरवाही कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। महिला का आरोप था कि उसने एक गांव के युवक ने उससे छेड़छाड़ की है। महिला जब थाने पर पहुंची तो पुलिस ने कार्रवाई न की। पुलिस के कार्रवाई न करने पर महिला ने आत्महत्या कर ली है। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बताते चले कि महिला की मौत के बाद परिजनों में, वो ग्रामीणों में वहां पर आक्रोश देखा गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जब पुलिस ने वहां से सबको उठाकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया तो वहां पर ग्रामीणों ने जमकर के हंगामा किया। आपको बताते चले कि जानकारी होते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को, परिजनों को समझा बुझा करके महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अगर बात की जाए तो काफी देर तक ग्रामीण और परिजन गांव में ही हंगामा करते रहे। अगर बात की जाए तो बड़ी लापरवाही पुलिस की तरफ से भी यहां पर देखने को मिली, क्योंकि महिला जब छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने पर पहुंचती है, पुलिस महिला की कोई नहीं सुनती है, उसके बाद महिला आत्महत्या कर लेती है। अगर बात की जाए तो जो सब इंस्पेक्टर है उसे लाइन हाजिर भी कर दिया गया। फिलहाल आपको बताते चले कि पुलिस ने महिला के सब को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल नरेश, लेकिन क्या सब इंस्पेक्टर की तरफ से कोई बयान सामने आया है, पूछताछ में कोई खुलासा किया है कि आखिरकार अगर मामला दर्ज किया गया था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, महिला के परिजनों का साफ आरोप था कि कई बार थाने पर वो लोग पहुंचे लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा था। इसी को लेकर के महिला थाने के चक्कर लगा करके परेशान हो चुकी थी। महिला ने उसके बाद परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। लेकिन जब इस मामले पर हमारी बात डीसीपी से हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि लगातार पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। इस मामले के लिए टीम का गठन हो चुका है, पूरे मामले की जांच पड़ताल बिल्कुल सही तरीके से कराई जाएगी। जी
बिल्कुल जांच सही तरीके से कराई भले ही जाएगी, लेकिन वो जांच का विषय है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर शिकायत के बाद ही कार्रवाई की जा चुकी होती तो आज महिला जिंदा होती, और इसी को लेकर हंगामा भी किया गया, ऐसे में बड़ी लापरवाही तो है। देखिए बिल्कुल साफ जाहिर होता है किस तरीके से पुलिस की लापरवाही रही। अगर समय होते इसमें कार्रवाई अगर पुलिस कर देती तो आज वो महिला है जिसने आत्महत्या की है वो महिला कहीं ना कहीं जिंदा होती, तो साफ जाहिर होता है किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई न होने से एक महिला ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल आपको बताते चले कि परिजनों में अभी भी आक्रोश देखा जा रहा है, परिजन लगातार हंगामा भी कर रहे हैं, और मांग क्या चीज है ग्रामीणों की, जरा एक बार ये भी जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल ग्रामीणों की साफ मांग है, परिजनों की साफ मांग है कि जो भी दोषी इसमें है पुलिस के, चाहे वो पुलिस कर्मी हो या जिस व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है, कड़ी से कड़ी सजा देने की बात परिजन और ग्रामीण इस मामले पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया है। नरेश आप भी नजर बनाए रखिएगा जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।